नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम जंतर मंतर पे हैं और मेरे साथ हैं आयुष के स्टूडेंट्स। ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं क्योंकि इनकी जो मांग है कि जो नया नियम लाया गया है नेक्स्ट के तहत, उसको वापस लिया जाए, उसमें परिवर्तन किया जाए। जी, आपसे बात करते हैं, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा प्रवीण कुमार हुआ, मैं बिहार से। प्रवीण जी, ये बताइए कि आप किन मांगों को लेकर यहाँ पर हैं, सरकार से क्या मांग रख रहे हैं? देखिए, हमारी सरकार से मानदेय है जी, जो नया आपने रूल लाया हुआ है नेशनल एग्जिट टेस्ट था, उसको किसी डेट से ना लागू करते, आप किसी बैच से लागू करो। नया रूल है तो जनरली हम लोग जानते हैं, जब से जन्म हुआ है तब से, जब से होश आता है तब से बच्चे जानते हैं कि कोई नया रूल आता है तो नए सत्र से होता है या नए डेट से होता है, पिछले चीज़ों पर नहीं थोपा जा सकता है। तो हम लोग आयुष के छात्र हैं तो हम लोग तो अभी डिमांड यही है कि जो आपने 2023 में 20 दिसंबर तो जो लॉ लाया हुआ है नेशनल एग्जिट टेस्ट था, उस तो आप जो है 24 आने वाली बैच है उससे लागू करो। हम तो तैयार था, हम लोग तो एडमिशन जब हुआ उस समय आपने किसी जो है आपने नोटिफाई नहीं किया, जहाँ आप तो आप 4.5 साल 5 साल पढ़ो दे उसके बाद में एक नेशनल एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा। फिर आप ऐसे सिचुएशन में लास्ट टाइम में आप बोल रहे हो जो नहीं, आप तो जो है नया एग्जाम देना पड़ेगा। ऑलरेडी ऐसा जो है FMG टेस्ट होता है आपने, जो फौरन से बच्चे पढ़ते आते हैं, तो उन तो भी जब 2002 में यह लॉ आया था तो हुआ था ये 15 मार्च 2002 के बाद जो बच्चे एडमिशन लें दे उन तो यह एग्जाम देना हो, ना कि जो बच्चे पहले एडमिशन ले लिए, ठीक है, उन तो जो है देना पड़ेगा। आपने सुना होगा जो MBBS वालों के लिए भी 2019 में लॉ आया था, तो वो 19 बैच के लिए आया था लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट दिया तो वे स्थगित कर दिया गया। मैंने उसका कोई लिमिट नहीं है जो 2028 में होता है या 2029 में होता है, अभी इस तरह तो ही नोटिफाई, लेकिन वो भी होता तो नए बैच से ही। बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी लेती है, वो भी जो है नए बैच से होती है। फार्मेसी में भी यह लॉ आया है, वो भी नए बैच से। तो ये बताइए, सिर्फ आयुष छात्रों तो जो बैच सेशन में, मतलब पिछले जो सेशन थे स्टूडेंट हैं, उन पे यह एग्जाम थोपना कहाँ से फेयर है जी? क्या इसलिए आयुष छात्र कमजोर वर्ग के छात्र होते हैं, कमजोर परिवार के छात्र होते हैं, मध्यम वर्गीय छात्र होते हैं, इसीलिए? और आप MBBS या अदर जो भी एग्जाम होते हैं उस पर नहीं थोप सकते होते हैं, क्योंकि बड़े घरों के बच्चे होते हैं जी। सीधा सा अभी आप ये बताइए कि कौन सा ईयर है आपका, कौन से ईयर में पढ़ रहे हैं? मैं इंटर्न हूँ अभी। अच्छा, इंटर्न है। हाँ, इंटर्न हूँ, लेकिन इंटर्न हूँ तो आप यह बताओ जो मेरी 17 बैच है जी, 17 बैच में ऑलरेडी मैं 7 साल में अभी इंटर्न में आया जी, मेरी कोर्स जो थी 4.5 साल 1 ईयर इंटर्नशिप थी। तो ये बताओ आप जो है जो बॉडी है हमारी या आयुष मिनिस्ट्री, वो उन चीज़ों पर क्यों नहीं काम करती है जी? आज जो है मेरे बैच थे जो MBBS थे छात्र थे जी, वो आज प्रैक्टिस करते हैं, MD तर लिए हैं जी, हैं कहीं ना कहीं आप तो MO हैं जी। अगर हमारी कोर्स जो है 22 में फाइनल हो जाती, 31 में फाइनल हो जाती, तो आज हम कहीं MO रहते हैं, अपने माता पिता के लिए जो है अच्छा बेटा बनते हैं। आज जो है हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज हमारे माँ बाप जो है इस टेंशन में तनाव में जी रहे हैं कि मेरा बेटा जो है इतना पैसा खर्चा करने के बावजूद भी मेरा बेटा डॉक्टर बन पाएगा या नहीं पाएगा। आप जो है इससे जो है जहाँ डॉक्टर जो है किसी का ट्रीटमेंट करते हैं, ये समझिए समाज के अगले हिस्से में दिने जाते हैं, उनको दौड़ की मान्यता दी जाती है, वे बच्चे जो डॉक्टर फ्यूचर में बनेंगे या पढ़ रहे हैं वे बच्चे आज रोड पर उतरने वाले हैं। आपने ये लगा रखा है और आपका जो सपना रहा होगा कि मैं डॉक्टर बनूं, लोगों की सेवा करूं, सेवा के माध्यम से ही कोई इस फील्ड को चुनता है, लेकिन आज संघर्ष करना पड़ रहा है सेवा की जगह, तो सरकार अगर नहीं सुनती है तो आप लोगों की क्या योजना है, आगामी क्या योजना लेकर आगे? अगर पहले तो हमें उम्मीद है कि सरकार सुनेगी हमारी बात, अगर सरकार फिर भी नहीं सुनती है तो हम आमरण अनशन पे जाएंगे, क्योंकि छात्रों की मांग बिल्कुल जायज़ है। अगर कोई भी रूल आता है तो उसे रेट्रोगेटिव कभी भी अप्लाई नहीं किया जाता। सरकार ने हजारों रूल बनाए, अभी तक इतने सारे मॉडिफिकेशन हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, रूल इम्प्लीमेंटेशन हुए, जो भी रूल बनता था एट द डे ऑफ द रूल जिस दिन बन गया उसके बाद से इम्प्लीमेंट करते थे, ना कि रेट्रोगेटिवली आप किसी लॉ को आप इम्प्लीमेंट कर देंगे। अगर NCSM एक रेगुलेटिंग नई बॉडी आती है, कमेटी आती है, अगर वो कुछ चीज़ों को चेंज करना चाहती है, वो कहती है कि पहली वाली बॉडी में कुछ कमी थी वो चेंज करना चाहती है, तो उनको बेसिकली स्टडी पैटर्न में चेंज करना चाहिए था, उन्हें क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी की क्लास लगवानी चाहिए थी, मेडिकल एथिक्स के लिए अलग क्लास लगवानी चाहिए थी, उन्हें स्टडी पीरियड जो है उसे बढ़ा देना चाहिए था, स्टडी आवर्स को बढ़ा देना चाहिए था, ना उन्होंने ऐसा कुछ स्टेप नहीं किया। आज NCSM कहती है कि जो हमारा सिलेबस है आप उसके अकॉर्डिंग एग्जाम दीजिए,
तो जो बच्चे जो छात्र पुराने CCIM के अकॉर्डिंग है या पुराने नेशनल होम्योपैथी कमीशन के अकॉर्डिंग जिन बच्चों ने पढ़ाई करी है जी। उन वाले बच्चों के लिए क्या अलग अलग बैच अलग अलग एग्जाम लेने की कोई है? आप जो बच्चे को आज से स्टार्टिंग से NCSM करती है कि MCQ क्वेश्चन को इनबिल्ट उसमें एग्जाम में डालेंगे, हमारे सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, अचानक से एक बच्चा जो अभी फाइनल ईयर में आ गया, इंटर्नशिप शुरू कर रहा है, 10-10 घंटे इंटर्नशिप की ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बाद सर्टिफिकेट्स बना रहे हैं, हमें मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी बनाने होते हैं, ये ड्यूटी कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, 12-12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद एक नया एग्जाम इम्प्लीमेंट कर दिया गया जिसमें हमें ऑलमोस्ट जितने भी छात्र हैं या BMS BHMS उन्हें 20-22 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे दोबारा से वो पढ़ना। अगर आपने वो एग्जाम नहीं लिया, अगर आप नहीं तो आप एक ग्रेजुएट नहीं, आप मतलब आप एक ग्रेजुएट हैं मगर आप डॉक्टर नहीं कर सकते। यहाँ कोई एक ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने BAMS BHMS BOMS इसलिए लिया हो कि मैं एक प्लेन ग्रेजुएट रहूँ। सब सारे के माता पिता सारे बच्चों ने यही सोचा कि मैं किसी ना किसी दिन इस समाज के में एक डॉक्टर बन के समाज की सेवा करूँ। यहाँ जब छात्र इसलिए इकट्ठा हुए हैं तो इन बातों पे ध्यान दिया जाए। ज्यादा लंबा खींचने का कुछ नहीं है। जो बच्चों CCIM के बैचेस के हैं या पुराने ओल्ड बैचेस के हैं उनके लिए रिलैक्सेशन दी जाए, और अब जो हमारे जूनियर्स एडमिशन हो रहे हैं उन्हें भी डार्क में ना रखा जाए। वेरी फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज उन्हें बताया जाए कि आपको ये एक एग्जाम देना है, और NCSM क्रूशियल स्टेप्स उठाए, उन बच्चों के लिए क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी की क्लास करवाए, उनके पर्टिकुलर जहां हॉस्पिटल्स में ड्यूटी लगते हैं सारे का रिकॉर्ड रखा जाए। यहां सबके सबके सिलेबस में लिखा हुआ है कि हर बच्चे के सिलेबस में 3 महीने की ड्यूटी लगनी है हर ईयर। आप कहीं नहीं लगती, इसकी कौन जिम्मेदार है? इसकी आप एक करो, और ये हमने RTI डाली उस टाइम पे। अच्छा, आप ये बताइए कि किसी जो आपके विभाग के मंत्री हैं मिले आप जाके सरकार को? मिला, हमने आयुष मिनिस्ट्री से मिला, कल भी मिला आयुष मिनिस्टर से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम करेंगे, कोशिश करेंगे, मगर अभी बच्चों को अपना फ्यूचर अंधकार में लग रहा है। अगर आश्वासन की पुड़िया से देश नहीं चलता, आश्वासन देने से बच्चों के मन में जो डिप्रेशन है, जो एक ठहरावहीन बच्चे हो रखे हैं, वो नहीं होने का, आप एक क्रूशियल स्टेप लीजिए। अगर आपको कुछ टाइम चाहिए, 2-5 दिन का टाइम लीजिए, आप अपनी बैठक बताइए, आप पे पावर है, पोजीशन है, आप पे फोर्स है, आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, एक ऑर्डिनेंस पास होगा, बस वहाँ बात खत्म हो जाएगी। एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि जब सब चीजें सब बंधन खुल रहे हैं तो छात्रों के लिए या तमाम अन्य पेशेवरों के लिए नियमों के तहत उनको बांधा जा रहा है, ये जिससे बचना चाहिए सरकारों को? जैसे टाइम बीत रहा है, सरकार नियम के साथ एक फिल्टर इंप्लीमेंट कर रही है, वो फिल्टर लगा के जीवन में सरकार का रोल कम से कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, एक फिल्टर लगा के आप स्टूडेंट को फिल्टर करके आप सरकार क्या कर रही है, ये एग्जाम आने से आउटफ्लक्स जो डॉक्टर का आउटफ्लक्स है समाज में वो कम हो जाएगा। आप अगर एक अच्छे समाज की संरचना करना चाहते हैं तो हेल्थ केयर हमेशा से मजबूत होना चाहिए, और हेल्थ केयर मजबूत तभी होगा जब नंबर ऑफ एडुकेट अमाउंट ऑफ डॉक्टर्स होंगे। पहले ही डॉक्टर की कमी, पहले ही डॉक्टरों की बहुत कमी है, 15,000 पे एक डॉक्टर होता है, 2 डॉक्टर होते हैं। जब छात्र अपने जीवन का 5.5-6 साल लगा देते हैं, और वो ऐसी यूनिवर्सिटी तो 8-8 साल में एग्जाम कंप्लीट करवाती है, एक बच्चा अपना ये सपना लेके 10 साल लगा दे रहा है एक डॉक्टर बनने में, और आप कह रहे एग्जाम नहीं तो आप डॉक्टर नहीं, ये कहाँ का न्याय है? आप कुछ बता रहे जी? यह जो है हमने जो रीट दायर की थी हाईकोर्ट दिल्ली में, उसमें जो है अंतिता चौधरी जो हमारी NCST एडवोकेट थी, उन्होंने जो रिप्लाई दिया था उसकी कॉपी है, यह जो है ट्रांसलेट है, इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है जे आप तो जो जो अधिनियम उन्होंने बनाया था पहले जो चल रही थी उसमें कुछ कमियाँ थी, ठीक है, उस कमियों तो दूर किया जा रहा है, तो ये चीज बताइए ये आपकी कमियों के कारण जो त्रुटियां हुई है उसको बच्चों पे रोष निकालिएगा, आप अपने सिस्टम में ना सुधार दीजिएगा, आप बच्चों पे क्यों जुल्म कर रहे हैं जी? कमी आप में थी और सजा बहुत थे बच्चे। बिल्कुल, तो जैसा कि आप देख रहे हैं और सरकार को खासतौर पर इनकी जो समस्याएं हैं, इनकी जो मांगे हैं, उस पर तुरंत गौर करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टरों के लिए जो स्थल है वो अस्पताल है, वहाँ पर मरीजों की देखभाल उनका दायित्व है, ना कि सड़कों पर संघर्ष करना उनकी मजबूरी बननी चाहिए। तो ये जो एक ऐसी समस्या है जिससे ये हमारे जो छात्र हैं खासतौर पर आयुष के, वो जूझ रहे हैं, सरकार को जल्द से जल्द हल निकालना चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, कैमरामैन अनूप के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी, न्यूज़ नेटवर्क के लिए जंतर मंतर दिल्ली से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।